अब घूमना बंद। शिप बर्बाद हो गया। मिया और बेटी एक सुनसान आइलैंड पर आ गए हैं। वो पागल हो रही है और उनकी फ्रेंड आई भी यहाँ नहीं है। शायद वो डूब गई। ये क्या है? बढ़िया, ये मजाक का समय नहीं है। आईवी बहुत मतलबी है, हम बाद में खेल लेंगे। हमें शेल्टर बनाना होगा। इस लड़की में काफी एनर्जी है और उससे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। चलो देखते हैं ये कैसा बनता है। ध्यान से आईवी, हमें पहले सारे सपोर्ट्स लगाने होंगे और हम ये उसे नहीं करने दे सकते। थोड़ा सीरियस हो जाओ। लगता है गर्ल स्टैंड बना रही है और आईवी फिर से सब बर्बाद कर रही है। उसे एक जगह रखने के लिए मिया ने उसका हाथ बांध दिया। ऐसा लगता है आईवी को सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। देखो अब कौन खेल रहा है। आईवी ने एंट्रेंस के लिए रग बनाया है। मेहमान आने वाले हैं। मिया को डर है ये पत्थर उसके पैरों में चुभेंगे। आईवी के पास सॉल्यूशन है, बॉटल वाले शूज। इन सैंडल्स को पेटेंट करवाने की जरूरत है, इन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अब मिया आईवी के टेंट में आराम से जा सकती है। हमारी रेस्क्यू टीम कहाँ है? कोई हमें ढूंढने भी आएगा? मिया ने कुछ देखा। लाइट रिंग, ये एवोकाडो जैसा है। ध्यान से, आईवी इसे खा ना ले। उसे गुस्सा आ रहा है। मिया आरामदायक चेयर पर आराम कर रही है और मजे कर रही है। आईवी गर्म पत्थर पर कंफर्टेबल रही है। ठंडी हो जाओ। पर उसके पास एक खुराफाती प्लान है। वो सारा अटेंशन पाना चाहती है। वो ज्यादा गहराई में चली गई। उसे मदद की जरूरत है। मिया उसे बचाओ। ये आईवी बच गई। क्या वो तैर कर घर जाना चाहती है? मिया ने अपना थ्रोन खो दिया। लड़कियां खुदाई में बिजी है और ये रहा रिजल्ट। ये एक पुराना मिरर है या ये सिर्फ एक ट्रे है? वैसे भी हमें अच्छा दिखना है। क्या पता बॉयज हमें बचाने आ जाएं? उम्मीद है आईवी कहीं सब कुछ खराब ना कर दे। देर हो गई, घंटी बज गई। आईवी ना रुक सकती है ना रुकेगी। यहाँ इतनी गर्मी है कि लड़कियों में से बदबू आ रही है। मुझे नहाना है। मिया काम पर लग गई है। लड़कियों को लंबे समय तक नहाने की आदत है और वो ये रिवाज बरकरार रख सकते हैं। ओह, ये टार्क काम आएगा। इसे पानी से भरते हैं। अब सोचो पहले कौन जाएगा। हमारे पास एक कैंडिडेट है। आईवी ने पूल देखा और कैनन बॉल की तरह उसके अंदर आ गई। मिया और बेटी गुस्से में है। ये बहुत बुरा है, इसने इस पूल को हॉट टब में बदल दिया। आईवी ने कुछ करने का सोचा है, इसलिए उसने बेटी के लिए रेत से बना पल्लो बनाया है। ये सॉफ्ट है, कुछ खास नहीं, और रेत तुम्हारे कानों में चली जाएगी। इतनी सारी रेत। बेटी सैंड क्लॉक की तरह लग रही है। बहुत हुआ। आईवी को लगता है ये बहुत मजेदार है। अच्छा बनना कितना बोरिंग है। ओह, सूटकेस। अगर ये डॉल से भरा होगा तो कैसा होगा, या खाने से? आईवी एक्साइटेड है और उसके दोस्त भी। आईवी आखिरकार साथ में है। इसके अंदर क्या है? ये कपड़ा हमारे टेंट के लिए बढ़िया होगा। आईवी सूटकेस से ही खुश है। जब आप इसमें ही रह सकते हैं तो कुछ क्यों बनाना। आईवी को टीवी देखना इतना पसंद है कि उसने अपने लिए एक बना लिया। यहाँ हमेशा एक ही शो होता है, पर बढ़िया है। यहाँ बहुत सारे अलग अलग बीचेस हैं। मिया को भी पसंद आए। और इसमें एड्स नहीं आते हैं, सिर्फ ओशन की आवाज, और आप शो के मजे ले सकते हैं। बेटी हमेशा कुछ ना कुछ बनाती है। आज ये एक शावर है, उसे बालों को धोना है। वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू लगाओ और नहाओ। पर यहाँ सब बर्बाद करने के लिए आईवी है। क्लासिक शैम्पू प्रैंक। ओह, ये धुल नहीं रहा। थोड़ा और ट्राई करते हैं। ये फोम पार्टी हमेशा चलती रहेगी। प्रैंकस्टर पकड़ी गई और अब वो मुसीबत में है। आईवी टेंट के पास टावर्स बना रही है।
मियाँ के पैर उसके कैसल से ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा ताकतवर। आईवी को परेशान होने से नफरत होती है। ये हमारी दुनिया में स्वागत है, उसे कुछ मजबूत चाहिए। कुछ ऐसा ही, कोकोनट मियाँ से ज्यादा ताकतवर है, इसे प्रिंसेस के कैसल को तोड़ने का अंजाम कहते हैं। आईवी SOS मैसेज भेज रही है, ऐसा करना उसने समर कैंप में सीखा था जब वो टी शर्ट सुखा रही थी। मियाँ को उसके दोस्त की क्रिएटिविटी पसंद आई, वो पहली बार आईवी की तारीफ करती है, पर उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। बेटी और मियाँ कपड़े धो रही है और आईवी पागल हो रही है, इसके अंदर इतनी एनर्जी कैसे आई? ओह नहीं, उसने अपने दोस्त की सारी मेहनत बर्बाद कर दी। उसे सबक सिखाना पड़ेगा, अपने गीले शॉर्ट्स के मजे लो और अपनी गलती के बारे में सोचो। आईवी अपने साथ हाइड एंड सीक खेल रही है, तभी उसने एक अजीब सी चीज देखी। ये अंडरग्राउंड तक जाता है, वहाँ पक्का एक बड़ा सा रूम होगा और आईवी अपने बकवास दोस्तों के बिना आराम कर सकती है। मियाँ को पता चल गया कि आईवी क्या करने वाली है, इसलिए वो उसे रोकने वाली है, पर रूम बकवास पैसे और ज्वेलरी से भरा है। आईवी उदास हो गई, मियाँ खुश है, क्यों? कुछ भी नहीं मिला, इसे सिर्फ फायर आग जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आईवी को टेंट में रहना पड़ेगा, इसलिए वो दुखी है, आग लगाना मुश्किल है। लड़कियाँ थक गई है, रॉक पेपर सिजर्स फैसला करेंगे कि आग कौन जलाएगा। आईवी ने बात को सही से नहीं समझा, उसके रॉक से मियाँ को चोट लग गई, इसलिए वो आसपास नाच रही है। आईवी आग लगाने वाली है, मियाँ को बुरा लग रहा है, पर आईवी को नहीं, कम से कम उसके प्रैंक लोगों को फंसाते तो है। जब हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो गई, आईवी अभी भी मजे कर रही थी, यही उसका काम है। खैर, कभी कभी वो सब बर्बाद कर देती है और अपने दोस्तों को गुस्सा दिलाती है। ओह टैग, आईवी को ये गेम पसंद है, मियाँ इसे कभी पकड़ नहीं सकती, पानी में भी नहीं। मियाँ गुस्सा कर रही है क्योंकि वो आईवी को पकड़ कर जीतना चाहती है। वो अपने सारे दबे हुए गुस्से को निकालने जा रही है, पर रुको, लड़ाई नहीं, इस आइलैंड पर लोग रहते हैं, इसका मतलब हम बच गए। आईवी के प्रैंक ने हमारी जान बचा ली, लोग यहाँ दो है, क्या ये दोनों सच में असली है? वो बेटी के बारे में भूल गए, वो कहाँ है? आपको क्या लगता है वो कहाँ गई होगी, हमें कमेंट्स में बताएं। पर वो एंजल ओलिविया थी, ये एक प्रोफेशनल लाइफगार्ड है, वो देखती है ओशन में सभी सही है या नहीं, पर सच कहे तो उसे सिर्फ जिम जैसे बेवकूफों से निपटना पड़ता है। उन्हें लगता है उनका जन्म पानी से बाहर निकलकर स्टाइल मारने के लिए हुआ है, जिससे लाइफगार्ड को प्यार हो जाएगा, है ना? जिम को पता होना चाहिए, अगर वो ऐसा करेगा तो वो सिर्फ सी वीट को ही अट्रैक्ट कर पाएगा। जब नेथन ज्यादा खेल लेता है तो वो लोशंस के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है, लेबल पर लिखा है इसमें से एक वाटरप्रूफ है और इसमें से एक सनस्क्रीन है, तो डिफरेंस क्या है? अगर आप स्विमिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको वाटरप्रूफ वाला लगाना चाहिए, है ना? पर नेथन ने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी, उसने वाटरप्रूफ लोशन बहुत सारा लगा लिया कि वो जैसे ही पानी में कूदा तो वापिस सैंड पर आ गया। एक मिनट बाद नेथन को एक बढ़िया आइडिया आया, इसने अपने पैरों पर लोशन लगाया और अब वो पानी पर चल सकता है। तुम्हें इन शरारती लोगों पर नजर रखनी पड़ती है, खासकर जब उन्हें पानी पर सोने की आदत हो, जैसे नेथन। ये हॉट है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो डूब नहीं सकता। ओलिविया को जल्दी करनी होगी, इससे पहले कहीं देर ना हो जाए। जिम भी अपने दोस्तों को बचाने के लिए आता है। ओह, तो ये सच में हो रहा है? नहीं, वो बस लाइफ गार्ड को इम्प्रेस करना चाहता है। ये काम कर जाता अगर जिम एक प्रोफेशनल होता, पर उसने ओलिविया का काम बढ़ा दिया। अब उसे इन दोनों बेवकूफों को एक साथ बचाना होगा।
शायद लोगों को बचाना जिम के बस की बात नहीं है, पर अगर सैंड कैसल्स बनाने की बात करें तो ये सबसे माहिर इंसान है। लोग इसके सैंड कैसल्स के पीछे पागल हो जाते हैं। उम्मीद है ओलिविया भी होगी, पर सिर्फ बच्चे ही खुश हुए। ओलिविया नेथन की वजह से ही खुश रहती है। और वो सैंड पॉर्क्यूपाइन के बारे में बात कर रही है, उसने अपने पैरों पर बनाया है। वाओ, ये आपको हर दिन देखने को नहीं मिलेगा। ये ट्रूम सिटी का सबसे गर्म समर है। सन सभी को परेशान कर रहा है और यहाँ बीच पर कहीं छाँव नहीं है। जिम ने देखा कि ओलिविया सन से बच नहीं सकती, इसलिए उसने शेल्टर बनाने का सोचा है। जिम एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उड़ने की इजाजत मिलेगी। ये आसान आइडिया है, बस सन को ड्रोन से कवर करो। पर जब तक ड्रोन पहुंचने वाला था, तब तक एक बड़ी सी बॉडी ने सन को कवर कर लिया। एक बहुत ही हॉट बॉडी। नेथन सन को अच्छी तरह ब्लॉक कर रहा है और उसे जिम की तरह सोचने की जरूरत नहीं है। ये एक ऑटो पायलट है। ओलिविया ने कुछ सीरियस देखा। जिम की जिंदगी खतरे में है। उसने उसे इशारा करने की कोशिश की, पर उसे लगा वो इससे फ्लर्ट कर रही है। पर जो वो जानता था, हालत उससे भी बेकार थी। अच्छा हुआ सब बच गए। नेथन की फेवरेट एक्टिविटीज में से एक ओशन को देखना और सनफ्लावर सीड्स खाना है। जब वो जिंदगी के बारे में सोचता है और हवा के मजे लेता है, वो हवा जो शेल्स को सीधा जिम के मुंह पर ले जा रही थी, जब वो नेथन को रुकने के लिए बोलता है, उसे और मिल जाते हैं। बदकिस्मती से ओलिविया ने जिम को देखा और वो इतनी गुस्से में थी कि उसे इसके कोई बहाने नहीं सुनने थे। उसे मनाने के बारे में सोचना भी मत। लड़कों की दोस्ती खतरे में है। ओह ओलिविया, सी के प्रिंसेस, काश तुम जिम को देख पाती। काश जिम को तुम्हारी अटेंशन मिलती। रुको जरा, ये क्या है? सूट? जिम, क्या तुम्हें और गर्मी झेलनी है? तुम अच्छे लग रहे हो, पर तुम्हें इस तरह हीट स्ट्रोक हो सकता है। पर जिम हार नहीं मानेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। पर ओलिविया फंस रही है। जिम को पता चलने वाला है कि इतना फनी क्या है। ये सब उसके वेंटिलेशन सिस्टम की वजह से हुआ है। स्विम ट्रंक्स फॉर्मल सूट के साथ काफी फनी लगते हैं। ओलिविया स्पोर्ट्स मैगजीन पढ़ रही है। इससे जिम को उसे खुश करने का एक और आइडिया मिल गया है। जैसे कि ओलिविया को एब्स पसंद है, जिम को जल्द से जल्द वो बनाने होंगे। शायद तब उसे वो पसंद आ जाए। जिम को सही समय पर स्टेंसिल मिल गया। अगर आप कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं तो पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ें। अगर जिम ने ऐसा किया होगा कि इस स्टेंसिल को पेट पर ही रखे और कभी ना सोए। अब जिम के एब्स है, पेट पर नहीं, उसके मुंह पर। ओलिविया उसकी हॉटनेस से खुश हो गई। अब वो इससे बात करेगी या सिर्फ हंसेगी। इस तरह ओलिविया जिम को कभी सीरियसली नहीं लेगी। जब ओलिविया पानी में होती है तो वो असली मोमेंट लगती है। उसे सिर्फ देखकर ही जिम का दिल गाने लगता है, पर एकदम से सब खत्म हो जाता है और ओलिविया गिर जाती है। ये जिम का मौका है, सब ठीक हो रहा है। पर जिम, भूलो मत, तुम यहाँ अकेले नहीं आए। बस याद रखना, वो और नेथन एक बॉल गेम के बीच में है। माफ करना यार। ओलिविया जिम के साथ वाले उस अजीब से पल को भूल चुकी है और नेथन को देखने से ये और चीजें भी भूल जाती है। ये हॉट कॉन्फिडेंट लड़का उसे सनस्क्रीन के लिए पूछ रहा है। क्या वो ओलिविया को लगाने में मदद करेगा? ये बढ़िया होगा, वो कभी अपनी पीठ तक नहीं पहुंच पाती। पर बदकिस्मती से ओलिविया के लिए नेथन के पास अलग आइडिया है। ने
इथनोल और लिविया को एक साथ देखकर जेम को जलन होती है। उन्हें इन दोनों को सबक सिखाना होगा, इसलिए उसने अपने सर पर शार्क फिन पहन ली। क्या नेथन जितना दिखता है उतना बहादुर है? जेम चुपके से शार्क बनकर अपने विक्टिम के पास आया और उन्हें डरा दिया। जेम का प्लान काम कर गया, शायद थोड़ा ज्यादा। उसने ओलिविया को भी डरा दिया, वो उदास होकर चला गया। उसे बिल्कुल नहीं पता कि उसके साथ भी प्रैंक हुआ है। जिम यकीन नहीं कर सकता कि नेथन कितना बुरा दोस्त है। उसने एक लाइफ गार्ड से फ्लर्ट करने के लिए अपने दोस्त को छोड़ दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई? जल्द ही उसे अपने दोस्त की याद आएगी जब कोई चेंजिंग रूम से उसके कपड़े चुरा लेगा। नेथन सिर्फ चिल्ला सकता है, वो कहेगा जिम मदद करो, और उसे याद आएगा कि वो बीच पर अपने दोस्त के साथ आया है और मुझे ओलिविया के लिए धोखा देने के लिए माफी मांगेगा। जब नेथन अपनी गेम पूरी कर लेगा तो वो वॉलीबॉल खेल सकता है। रुको, चेंजिंग रूम में कौन है फिर? जिम ने बहुत बड़ी गलती कर दी और वो जैक्सन से पिट रहा है जो सर्फर्स का किंग है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ट्रुम ट्रुम ट्रिक पर।